अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप साहब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, शुक्र है अल्लाह का, हम भी ठीक हैं। तो कुछ मेहमान आए हुए थे और कुछ मेरी तबीयत भी नहीं ठीक, तो थोड़े दिन हो गया है कोई इतनी वीडियो भी नहीं लगाई। तो आज जी चले मारा को छोड़ने जाते हैं, तो टाइम का बहुत फ़र्क पड़ गया है। पहले तो रात हो जाती थी, मतलब कि रात ही लगती थी, इतना अंधेरा होता था, लेकिन अब ये देखें 6:30 है इधर सुबह के, तो काफ़ी रोशनी हो गई हुई है, दिन ही तकरीबन चढ़ गया हुआ है। तो मैं मारा को छोड़ने जाती हूँ स्टॉप के ऊपर, तो आप देख सुन रहे होंगे चिड़ियों की प्यारी प्यारी आवाज़ें हैं परिंदों की। और जी अब तो मौसम भी आ गया, बहार का आने वाला है, तो फूल भी आस्ता आस्ता निकल रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी किसी ने पास आके इसके कलर कितना अच्छा आ रहा है, ये जो ट्री है पीछे, तो मारा जा रही आगे आगे, तो मैं पीछे पीछे, तो बस जी अब घर उसके बाद आऊँगी मैं। बाकी बच्चे जाएंगे स्कूल, तो उसके बाद ही नाश्ता हमारा शुरू हो जाएगा। मैं पेड़े बना के रख रही हूँ, निहारी बनी हुई थी तो कल की, तो उसके साथ पराठे खाएंगे, साथ मैंने दही बनाया है, और एक साइड पे चाय है, कुछ अंडे हैं, जिन्होंने अंडे खाने हैं वो खाएंगे, जिन्होंने निहारी खानी है वो साथ ले लेंगे। तो चलें जी मशीन साथ खाली करते हैं, बर्तनों वाली कुछ बर्तन धोएंगे जब तक सारे उठ के आते हैं, तो मैं ये किचन थोड़ा समेट लूँ, तो फिर नाश्ता शुरू करेंगे। तो ये जी मैंने बना लिया है, 5-6 पेड़े बना कर रख लेती हूँ, फिर किसी ने ब्रेड वगैरह खानी हो या जो भी कोई किसी का दिल करे वो बना लेते हैं साथ। तो मेरा गला थोड़ा ख़राब ही है। उसके बाद जी वो मेहमान चले गए थे सैर सूर करने इधर, तो हमने खाने की तैयारी करनी थी, जो बच्चे घर थे मेरे भी मेहमानों वाले के भी, और जो बाकी सारे बड़े थे, तो उनके लिए हमने चिकन पुलाव बनाया है, साथ में आलू गोश्त बनाया है। तो एक तरफ आलू गोश्त बन रहा है, कुकर में रखेंगे ताकि जल्दी गल जाए, और एक तरफ मैं पुलाव बना रही हूँ चिकन का। साथ साथ सफाइयाँ चल रही है, हमारा माइक्रो ख़राब हो गया हुआ है, तो बहुत ही मुश्किल हो गई हुई है, हर चीज़ चूल्हे पे करनी है, हर चीज़ चूल्हे पे। तो ये जी वो मैं पुलाव में ये मसाले डालूँगी, ग्राइंड की हुई ग्रीन वो जो मिर्ची होती है ना, सब्ज मिर्ची हम ग्राइंड करके रख लेते हैं, छोटी हमारी फ्रीज कर लेते हैं, वो डालते हैं। साथ नमक मिर्च है थोड़ा, इसके अंदर प्याज और लहसुन डाला है तड़के के लिए, फिर चिकन डाल दी है। ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं किया क्योंकि ब्राउन इतना अच्छा नहीं कहते हैं लगता, तो हमने ना हल्का हल्का रखा है, लेकिन भूना ज़्यादा उसको मैंने। उधर आपको ये देखें थोड़े सारे ना मैंने लहसुन डाला है ये भून तड़का लगाते हुए, फिर तो भी इसके अंदर 2-3 2 कनौर की क्यूब्स डालूंगी, और नमक फिर ध्यान से डालेंगे ना कि कनौर भी तो नमकीन होता है ना। तो बस ये अदरक ये सारी मिर्ची हैं चीज़ें हैं, गरम मसाला सूखा धनिया जीरा हर चीज़ जो भी है, और साथ टमाटर नहीं था मेरे पास तो मैंने दही डाली है, 2 कनौर डाली है। तो बस जी ये हमारा, ये देखें मैंने थोड़ा पानी डाल लिया, करना तो नहीं ऐसे चाहिए, लेकिन मैंने फिर फटाफट मैंने कहा ये भी डाल दूँ ना बीच में, मसाला तो सारा नमक उधर ही रह गया था। तो चले जी उसको अच्छी तरह भुनेंगे चिकन को, तो फिर उसके अंदर पानी डाल कर रख दूँगी थोड़ा, उसका यखनी बन जाए। इधर आलू गोश्त की तैयारी हो रही है, वो पकेगा साथ जी चावल होंगे, और बीच बीच में बच्चों को बना के दे रहे हैं हम, वो नहीं होते क्या उसको कहते हैं पापड़ टाइप, वो जो छोटे छोटे होते हैं, मैं दिखाऊंगी आगे। तो वो जी ना साथ साथ सफाइयाँ हो रही हैं, बर्तन धोए जा रहे हैं कि सबके आने, ये वाले ये मैं कह रही थी चटनी बनाइए साथ, ये मैं अब इसके अंदर दही डाल के भून रही हूँ, पहले तो वैसे थोड़ा भूना था फ्राई उसका कलर प्यारा सा हो जाए, और फिर जी दही डाला है, और उधर हमारा कुकर बंद हो गया जी, चूल्हा गंदा हो गया बहुत ज़्यादा, वो भी साथ साथ साफ करेंगे खाने के बाद। तो ये लो जी दही भी ख़त्म हो गया है, अगर किसी ने सालन की तरह खाना हो तो चावल ना डालने हो तो बंदा इस तरह भी खा सकता है। तो मैंने इसके हिसाब से पानी डाल लिया अपने चावल जो हमारे होते हैं, मतलब कि जितने चावल उतना डबल मैंने डाला है, 2.5 कप चावल थे और मैंने 5 डाल दिए पानी के, तो वो थोड़ा पक जाए ज़रा उसका जूस निकले हड्डियों से, तो फिर मैं चावल डालूंगी इसके अंदर, नमक वगैरह चेक करेंगे, जो चीज़ कम होगी फिर डालेंगे और। तो
पानी जा रहा है उसके अंदर, गिन के मैं डर रही हूँ कि थोड़ा ज़्यादा या कम ना हो जाए। चने जी, ये देखें जी चावल पक रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बड़े मज़ेदार बने थे। इधर आलू गोश्त पक रहा है, उधर वो पक रहा है, तो वो जी माशाल्लाह रौनक लगी हुई है, सारे आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हुए हैं। ये जी चावल पक के तैयार हो गए हैं, मैं बच्चों को डाल के दे रही हूँ, छोटे बच्चों को प्यालियों में, बड़ों ने प्लेटों में, और साथ साथ जूस वगैरह हर चीज़ इधर रखी हुई है। तो बस जी साथ रोटियां भी बना रही हूँ, कहीं ना हमारे घर में ना जो मर्द है ज़्यादातर ना वो रोटियां खाते हैं, पसंद करते हैं ना शोरबे के साथ, आलू गोश्त के साथ, कितना प्यारा लग रहा है। तो जी ये हो गया हमारे साथ रोटियां बन गई हैं, और ये थे जी वो। तो अब इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं आपसे रोज़ ही तकरीबन मिलूँगी। खुदा हाफिज़।